सबसे पहले क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने रिवर्स हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है 24, पाकिस्तान के अंदर टोटल 24 रिवर्स बह रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस के अंदर टोटल कितने रिवर्स फ्लो करते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका दुरुस्त जवाब है 5, पाकिस्तान पंजाब के अंदर टोटल कितने रिवर्स हैं? फाइव रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस के अंदर टोटल कितने रिवर्स हैं? उसका जवाब है 4, सिंध के अंदर टोटल 4 रिवर बहते हैं। नेक्स्ट है जी, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा? तो उसका जवाब है इंडस रिवर, इंडस पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है जिसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस। नेक्स्ट है जी, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है? तो इसका जवाब है रावी, रावी पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है जी। नेक्स्ट है जी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो इसका जवाब है जी ब्रह्मपुत्र, इसका जवाब है जी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सब कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा दरिया है। नेम दी मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सा है? उसका नाम बताएं, तो उसका जवाब है रावी, रावी पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है जी। नेक्स्ट है जी, नेम द रिवर इन पाकिस्तान हुज एनुअल फ्लो इज ट्वाइस दैट ऑफ द नाइल, पाकिस्तान कौन सा दरिया है जिसका फ्लो नाइल से दो गुना है? तो उसका जवाब है जी इंडस, इंडस रिवर का जो फ्लो है वो नाइल से दो गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी, फ्रॉम वेयर द इंडस रिवर राइजेस, इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इंडस कॉबल ऑप्शन डी, इसका जो सॉरी इसका जो जवाब है ऑप्शन सी तिब्बत, इंडस रिवर तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है जी, वेयर द इंडस रिवर एंड, इंडस रिवर एंड कहाँ पे हो रहा है? तो इंडस रिवर एंड हो रहा है जी ऑप्शन सी अरेबियन सी, अरेबियन सी में इंडस रिवर जाके गिर जाता है और वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट है जी, मोस्ट ऑफ द कंट्री रिवर्स फ्लो इन टू, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दरिया कौन से दरिया में बहते हैं? तो इसका जो जवाब है जी ऑप्शन ए इंडस रिवर, इंडस रिवर के अंदर ज्यादातर दरिया पाकिस्तान के बहते हैं। नेक्स्ट है जी, द बारी दुआब कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिवर, बारी दुआब कैनाल ओरिजिनेट्स कौन से रिवर से ओरिजिनेट होती है? इसका दूसरा जवाब है जी ऑप्शन सी रावी, रावी रिवर से बारी दुआब कैनाल ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, हड़प्पा सिटी वो कौन से दरिया के किनारे पर वाक़ है? तो इसका जो जवाब है रावी, हड़प्पा सिटी रावी के किनारे पर वाक़ है। नेक्स्ट है जी, इंडस रिवर इज आल्सो नोन एज, इंडस रिवर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अबासी रिवर, ऑप्शन बी अटक रिवर, ऑप्शन सी स्कर्दू रिवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस रिवर को ऑल ऑफ द, इसके चारों नाम है जी, अबासी रिवर भी इसको कहा जाता है, अटक रिवर भी और स्कर्दू रिवर भी कहा जाता है जी, चारों नाम तीनों नाम इसके हैं, अबासी रिवर भी कह सकते हैं, अटक रिवर भी और स्कर्दू रिवर, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस, कहाँ पे तमाम दरिया दरिया सिंध के अंदर मिल जाते हैं? तो ऑप्शन ए रसूलपुर, ऑप्शन बी पंजनद, ऑप्शन सी कोटमिट्ठन, ऑप्शन डी खान की हेडवास। तो इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन सी खान की कोटमिट्ठन, सॉरी कोटमिट्ठन के मुकाम पे तमाम दरिया दरिया सिंध में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है जी, वेयर झेलम एंड चनाब रिवर्स मीट, झेलम और चनाब कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शन ए रसूलपुर, ऑप्शन बी पंजनद, ऑप्शन सी त्रिमुख, ऑप्शन डी खान के अड़वा। तो जवाब ऑप्शन सी त्रिमुख, त्रिमुख के मुकाम पर ये झंक करीब है, वहाँ पे झेलम और चनाब आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने रिवर्स बहते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 8, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 8 दरिया बहते हैं। हमने टोटल 24 दरिया पाकिस्तान के अंदर आपको बताया है, तो ये अभी हम एंड के ऊपर टोटल 24 भी पूरे कर देंगे प्रोविंस वाइज। नेक्स्ट है, इन टू विच द कोबल रिवर्स फॉल, कोबल रिवर कौन से दरिया के अंदर बहता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी काबल, ऑप्शन सी चनाब, ऑप्शन डी सतलज। कोबल रिवर कौन से दरिया में बहता है, गिरता है? ऑप्शन ए इंडस, और किस मुकाम पे गिरता है ये भी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो ये क्वेटा के सॉरी अटक के मुकाम के ऊपर इंडस रिवर में आके काबल रिवर मिल जाता है। इसके ऊपर काबल रिवर के ऊपर ही वारसक डैम भी बनाया गया, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि वारसक डैम कहाँ पे बनाया गया, तो ये काबल रिवर के ऊपर बनाया गया, और काबल रिवर इंडस में अटक के मुकाम पे आके गिर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड नाइल ऑफ पाकिस्तान, कौन सा दरिया जो पाकिस्तान का उसे नाइल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो इंडस कोबल चिनाब और सतलज। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस दरिया सिंध को पाकिस्तान का नील कहा जाता है।
नेक्स्ट है जी, पंचकोरा रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस। पंचकोरा रिवर कौन से सूबे के अंदर वाक़ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी खैबर पख्तूनख्वा और ऑप्शन डी बलोचिस्तान। तो इसका दो जवाब है ऑप्शन सी बलोचिस्तान। पंचकोरा रिवर बलोचिस्तान के अंदर वाक़ है। पंचकोरा रिवर पाकिस्तान की मशहूर दरिया है, तो ये कहाँ पर वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट है, बहरान रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस। बहरान रिवर कौन से सूबे के अंदर वाक़ है? ऑप्शन ए पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। तो इसका दो जवाब बहरान रिवर बलोचिस्तान के अंदर, सॉरी सिंध के अंदर वाक़ है। बहरान रिवर सिंध के अंदर बहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ झेलम रिवर? झेलम रिवर की टोटल लेंथ कितनी? ऑप्शन ए 725, ऑप्शन बी 254, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 785। तो इसका जवाब है 725 किलोमीटर। झेलम की टोटल लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी, दश्त रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। दश्त रिवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये कौन से प्रोविंस के अंदर वाक़ है? तो ये है जी बलोचिस्तान के अंदर वाक़ है। दश्त रिवर बलोचिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट है जी, पोरेल रिवर। पोरेल रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। पोरेल रिवर कौन से सूबे में वाक़ है? तो ये है बलोचिस्तान। पोरेल रिवर भी बलोचिस्तान सूबे में वाक़ है। नेक्स्ट है जी, बोलान रिवर। बोलान रिवर जो आपको नाम से भी पता चल गया होगा, बोलान कैपिटल कौन से सूबे में? अफगान बलोचिस्तान के अंदर। तो बोलान रिवर भी बलोचिस्तान के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रावी रिवर? रावी रिवर की टोटल लेंथ कितनी? अभी हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? रावी रिवर है, तो इसकी लेंथ भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसकी लेंथ है जी ऑप्शन ए 715 किलोमीटर। सबसे छोटा दरिया रिवर रावी है, उसकी लेंथ है 715 किलोमीटर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसकी लेंथ भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसका जो जवाब है 2900 किलोमीटर। तो इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।